हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टंबल गाइस वीडियो। तो गाइस, स्टंबल गाइस के अंदर न्यू अपडेट आ चुका है 0.51 का। तो अगर आपको नहीं पता तो जल्दी से जाके उसको अपडेट कर लो 0.51 में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टंबल गाइस के अंदर कौन कौन सी न्यू चेंजेस हुए हैं न्यू अपडेट में, और कौन सी नई चीज़ें ऐड हुई है गेम के अंदर, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, पहला अपडेट तो आपको गेम ओपन करते ही दिख गया होगा, जो कि स्क्रीन के साइड में है, टूर्नामेंट इवेंट एंड प्ले का बटन भाई एक साथ कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड सेकंड चीज़ जो आई है वो की है टूर्नामेंट एंड क्लासिक टूर्नामेंट एंड इवेंट का जो ऑप्शन है वो एक ही जगह पर ऐड कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। ये तो छोटे मोटे अपडेट है। अब अपन चलते हैं थर्ड अपडेट, जो कि है न्यू मैप। तो न्यू मैप ऐड हो चुका है गेम के अंदर, जो कि है, इसका नाम है बुरीटो बोनांजा। तो ये मैप है जो कि न्यू ऐड हुआ है गेम के अंदर। तो इसका गेम प्ले मैं दिखा देता हूँ। तो ओवरऑल तो ऐसा है, लेकिन भाई ये मैप बहुत ज़्यादा हार्ड है और बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था। आज पहले दिन ही था अपडेट का, शायद इसलिए हो रहा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा लैग कोई मैप नहीं हुआ मेरा आज तक इस गेम के अंदर। पता नहीं क्यों ये वाला मैप बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। खैर, अभी न्यू अपडेट आया है इसलिए लैग कर रहा होगा, ये भी हो सकता है। पर ये जो गेम, ये जो मैप है यार, ये बहुत ज़्यादा हार्ड मैप है। आप भी इसको खेलोगे तो आपको लगे यार बहुत ज़्यादा हार्ड है। वैसे मतलब पहली बार खेल रहा था मैं, इसलिए मैं इसको मेरे से खेला नहीं जा रहा था, पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी इस मैप को खेलने की भी। पर मैप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, और यहाँ पर देख सकते हैं बॉट भी ओवरटेक करने में लग रहे थे, भाई क्या हालत हो रही थी मेरी। और इन लोगों ने पता नहीं यहाँ पे टमाटर वमाटर क्या क्या काट के रखे थे। तो फूड का मैप था यार, ये समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या है। पर कुछ भी कहूँ, ओवरऑल मैप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। पर मेरा मैं भी पहली बार ही खेल रहा था इस मैप को, तो ठीक ठाक मैप था यार, सही है स्पीड रन का, लेकिन मैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और भाई ये मैं क्या बताऊँ आपको, पहली बार ही खेल रहा था और बॉट ने भी मुझे हरा दिया, भाई क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब मेरी कोई गलती नहीं है भाई, बॉट ही एडवांस हो गया स्टंबल गाइस के। मैं भी देखता रह गया भाई, मैं इतना नूबड़ा कैसे होते जा रहा हूँ धीरे धीरे। खैर, उस चीज़ को छोड़ो, तो अगली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो कि कस्टमाइजेशन में है और काफ़ी बड़ा अपडेट है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेजेंडरी के बाद में एक न्यू ऑप्शन ऐड हो चुका है, जो कि मिथिक है, और मिथिक के अंदर आपको सारी स्पेशल स्किन्स दिख जाएगी। तो स्पेशल स्किन्स को लेजेंडरी में से हटा दिया और मिथिक में एक न्यू चीज़ ऐड कर दी उसके अंदर अब लग रहा है। तो गाइस यार, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को, तो क्योंकि पहले लेजेंडरी के अंदर स्पेशल मिक्स कर रखी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बकवास थी। और अभी एक चीज़ और काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट हुई, और गाइस ये है मिथिक, भाई मिथिक स्किन्स भी आने लग गई। पहले लेजेंडरी होती थी, उसके बाद में स्पेशल स्किन होती थी टॉप तक, लेकिन अब मिथिक स्किन्स भी आया करेगी। तो और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा यार ये अपडेट मेरे को, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऐड हुई है। और भी काफ़ी ज़्यादा इमोट्स एंड एनिमेशन ऐड हुए हैं गेम के अंदर, जो कि आप देख लेना इस वीडियो के बाद में अपडेट करके गेम को। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय।